आतंकियों के सफाई में जुटे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंपोर एनकाउंटर में मारा गया है लश्कर का कमांडर, ये सूत्र बता रहे हैं। लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक के मारे जाने की खबर है। पंपोर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया है और मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है, सूत्र ये बता रहे हैं। तो कौन है उमर मुश्ताक, आइए बिग वॉल पर चलते हैं। ये उमर मुश्ताक जिसको सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, आखिर कैसे ये देश का दुश्मन था, आइए अब आप ये समझिए। देखिए, ये है उमर मुश्ताक जिसकी हम फोटो दिखा रहे हैं और आतंकी का पूरा नाम उमर मुश्ताक खांडे है। उमर मुश्ताक घाटी के टॉप 10 आतंकियों में से आता है। लश्करे तैयबा का कमांडर है उमर मुश्ताक, वो लश्करे तैयबा जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने की साजिश रचता रहता है, करता रहता है। घाटी के टॉप 10 आतंकियों में इसकी गिनती होती है। दो पुलिस वालों की हत्या में शामिल था मुश्ताक, ये जानकारी आ रही है, और कई बड़ी आतंकी वारदातों में भी इसका हाथ रहा है, उसमें भी ये शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक उमर मुश्ताक को पंपोर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, कश्मीर में 9 दिन से ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। 9 दिनों में आतंकियों से 10 मुठभेड़ हुई हैं और 12 आतंकियों को ढेर कर दिया गया कश्मीर में, जिसमें पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन का 6ठा दिन है। देखिए, इन सारी खबरों को आप रिलेट कीजिए। कश्मीर में एक हम पंपोर एनकाउंटर की आपको खबर दिखा रहे हैं, जबकि इधर 9 दिन से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है कश्मीर में, जहां आतंकियों से लगातार मुठभेड़ हो रही है, 12 आतंकियों को ढेर किया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन का पुंछ में आज 6ठा दिन है, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ राजौरी बॉर्डर पर जंगलों में उतारे गए पैरा कमांडोज, देखिए पुंछ में बड़ा एक्शन हो रहा है, पैरा कमांडोज को वहां पर उतारा गया है राजौरी पुंछ बॉर्डर पर। घाटी के टॉप 10 आतंकियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है और ठान लिया गया है इस बार सुरक्षा बलों की तरफ से कि इनको जड़ से मिटा देना है। 6 दिन से लगातार पुंछ में यह ऑपरेशन चल रहा है, पैरा कमांडोज को वहां उतारा गया है। एंटी टेरर जो वहां पर स्पेशलिस्ट टीम है, काउंटर टेररिज्म की जो टीम है, वो पहले से वहां पर तैनात है। NIA लगातार इस पूरी कवायद में मदद कर रहा है। तो आप समझिए, एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, चाहे वो खुफिया एजेंसियां हों, चाहे सुरक्षा बल हों, कि अब इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करना है। बिग वॉल पर दिखाते हैं, 9 दिन में 10 मुठभेड़ हुई है, 12 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं कि कैसे लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को अब यहां से सीधे जन्नत भेज रहे हैं। आप ये 3 तस्वीरें देखिए, पंपोर, बेमिना और पुंछ, ये तीनों वो जगह हैं जहां पर लगातार न केवल मुठभेड़ हुई है बल्कि आतंकियों को निशाना बनाया गया है और लगातार सुरक्षा बल वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। पंपोर में तो हमने आपको बताया कैसे लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर ढेर हुआ मुश्ताक, जिसकी हम बात कर रहे थे। बेमिना में आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बलों ने वहां पर लगातार बहुत गहन सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, और पुंछ जहां पर 6 दिन से एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है और वहां पैरा कमांडोज उतारे गए हैं ताकि आतंकियों को लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत ढेर किया जाए। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं आपको, ये जो 9 दिन से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ये है क्या, कैसे कैसे लगातार ये ऑपरेशन हुआ। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुरा में मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मारा गया। 9 अक्टूबर को श्रीनगर के मैथन में मुठभेड़ हुई, एक आतंकी वहां से फरार हो गया। 11 अक्टूबर को अनंतनाग के वेरीनाग क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और एक आतंकी वहां मारा गया। आगे बढ़ते हैं, 12 अक्टूबर शोपिया के इमाम साहेब में मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी वहां मारे गए। शोपिया के फिरीपोरा में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी वहां पर ढेर किए गए, ये 12 अक्टूबर को ही हुआ। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई और जैश का कमांडर वहां मारा गया। 15 अक्टूबर को पुलवामा के वाही बुघ में मुठभेड़ हुई और एक आतंकी को वहां ढेर कर दिया गया। और इसी दिन श्रीनगर में भी बेमिना में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया। 16 अक्टूबर को पंपोर के डरेंग बल में, 16 अक्टूबर की प्लेट आपको दिखाते हैं, 16 अक्टूबर को पंपोर के डरेंग बल में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी वहां पर ढेर कर दिए गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।